गुड मॉर्निंग नगड़ियों फ्रॉम पहाड़ की असीन वादियों से। और आज हम जा रहे हैं एक और रोपणी, ये देखिए आज बड़ी जी की रोपणी जाते रहे। और ये देखिए ये बैल, दरमियान भाई के बैल काफी थक चुके लगता है, बहुत सारी रोपणी लगा ली उन्होंने। ये देखिए आराम से घास खा के आते हुए, और अभी हम लोग रोपणी जा रहे हैं आज ओडारी की फिर से। ये देखिए वीडियो में आज एक और रोपणी लगेगी। और फ्रेंड्स आज इस वीडियो में मैं बैलू के साथ में जा रहा हूँ, बैलू को लेके जा रहा हूँ। लास्ट वीडियो में मैं बैलू के साथ में नहीं गया था, उस वीडियो में मैं आगे चला गया था, थोड़ा कुछ काम था तो बैलू के साथ में नहीं गया था। लेकिन फाइनली इस वीडियो में ये देखिए बैलू के साथ में काफ़ी अच्छा लगता है। ये देखिए और ये दरमियान भाई के बैल घास खा के घास चरते हुए रोपणी की ओर। और आज हम फिर से उड़ारी की रोपणी जा रहे हैं, जो कि हमारे गांव सड़क के नीचे कम से कम 20-25 मिनट का रास्ता होगा शायद नीचे की ओर, और हम लोग उधर ही जा रहे हैं एक बार फिर से। और लास्ट टाइम हम लोग गए थे अपनी रोपाई, और आज जा रहे हैं अपनी बड़ी जी के यानी कि आंटी जी के रोपणी जा रहे हैं आज हम लोग। ये देखिए और ये देखिए ये भी हम लोग के गांव वालों के खेत हैं, और ऑलमोस्ट सब लग चुके हैं। ये देखिए ऊपर से नीचे तक जितने भी खेत हैं, ये कल बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई थी और यहाँ पे सब खेत लोगों ने रोपणी लगा ली यानी कि रोपाई कर ली। ये देखिए जितने भी खेत हैं अभी सब लग चुके हैं, और दो तीन खेती हैं, दो तीन में से बस एक हम लोगों का है आज लास्ट आंटी जी का, और वो खेत भी आज लग जाएगा। उसके बाद यहाँ दो तीन खेती रहेंगे शायद। और ये देखिए फ्रेंड्स जितने भी खेत हैं सबकी रोपाई हो चुकी है। और फ्रेंड्स अभी आज की रोपणी में हल लगा रहा है अभी अपना भाई जय सिंह। ये देखिए आज की रोपणी में जय सिंह अभी हल लगा रहा है। ये देखिए अभी थोड़ी देर पहले ये जो आधा खेत है ये मैंने लगाया था, और अभी जय सिंह हल लगा रहा है। और ये है दरमियान भाई जिनके बेल, और ये हमारे दूसरे भाई जी साइड में, ये इनका ही खेत है। आज हम बूढ़े भाई के खेत में रोपणी लगाते हुए, और ये देखिए फ्रेंड्स बैल ने अनाज खा लिया था। ये देखिए जो भी ये बांध के रखा हुआ था ये अनाज, ये देखिए, और अभी लग ही जाएगा अभी ज़्यादा एक घंटे में हम लोग इधर की भी रोपाई कर लेंगे, अभी से ज़्यादा एक घंटे में शायद हो जाएगी। ये देखिए बैल काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे है, मतलब ना तो ये किसी को मारते हैं, और हल में जब भी हम लोग हल लगा रहे हैं, और इसके बाद ये मैया लगेगा उससे भी मतलब काफ़ी अच्छे बैल हैं, मतलब अच्छी तरह से, मतलब आराम से नहीं, जैसे इनकी स्पीड कम नहीं होती है चाहे कोई भी हल लगाए। और फ्रेंड्स देखिए फाइनली ये मैं
अभी वीडियो बना रहा हूँ। चलो सोचो, मैंने सोचा चलो वीडियो बना लेते हैं। ये देखिए अभी जैसे हल लगाता हुआ और मैं बना रहा हूँ वीडियो। ये देखिए काफ़ी अच्छा लगता है यार, अपने जो भी है रोपाई और जो भी उत्तराखंड की है रीति रिवाज, अपना जो भी पहाड़ी कल्चर है, काफ़ी अच्छा लगता है। ये देखिए इसलिए वीडियो बना लेता हूँ। और ये है मैया और गाय और फ्रेंड्स। फाइनली यहाँ देखिए अभी हम लोगों ने यहाँ रोपड़ी लगा ली, मैया लग चुका है, लेकिन अभी यहाँ पे वापस हम लोग मैया लगाने वाले हैं। ये देखिए क्योंकि मैया थोड़ा बोलते हैं बराबर नहीं लगा। ये देखिए और वापस फिर ये मैया लगाता हुआ जय सिंह। ये देखिए थोड़ी देर पहले मैंने भी मैया लगाया था, तो अभी जय सिंह मैया लगा रहा है। ये देखिए ये मैया, यानी कि ये देख सकते हैं आप एक लकड़ी का, इससे जो भी मिट्टी रहती है ये मिट्टी मतलब पूरे खेत में सही हो जाती है, इधर से ये किनारे से वो किनारे, और फिर जो भी बीच की मिट्टी रहती है वो दूसरे किनारे छोड़ देते हैं जहाँ मिट्टी बिल्कुल नहीं रहती है। जिसके मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको, अगर आप पहाड़ी हो तो आपको पता ही होगा, लेकिन जो भाई जो दोस्त जिन लोगों को पता नहीं है तो उनके लिए बता रहा हूँ मैं ये सब। और ये देखिए फाइनली फ्रेंड्स रोपड़ी होने वाली है कंप्लीट। और ये देखिए यहाँ पे हम लोग का ही खेत एक बचा हुआ था, ऊपर देखिए ये ऊपर भी रोपाई हो चुकी है, नीचे भी रोपाई हो चुकी है ये देखिए। और लगभग 2-3 बार अभी यहाँ पे मैया लगेगा और उसके बाद ये खेत भी हो जाएगा डन, और उसके बाद हम लोग जाएंगे घर, सॉरी उसके बाद हम लोग चाय पियेंगे और उसके बाद हम लोग जाएंगे घर। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। भाई ये अपना पहाड़ी कल्चर जो कि स्पेशली मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं वीडियो बना लेता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर मैं बनाता हूँ ऐसे वीडियोस। चलो फ्रेंड्स बाय।